दोस्तों, अपने प्लांट्स और गार्डन की केयर करने की टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है आपके सामने। दोस्तों, एक गुलदाउदी का प्लांट मैंने रखा हुआ है और इसके फूल लगभग अब मुरझाने पे आ गया, तो क्या हम इसको रिवाइव कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर दोबारा से नए फूल ले सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, मैंने कई वीडियो यूट्यूब पे देखे जिसमें वो दिखा रहे हैं कि मौसम जाने के बाद भी गुलदाउदी में फर्टिलाइजर डाल के वो बहुत सारे फूल ले रहे हैं, तो मुझे वो सही नहीं लगता, मुझे वो नहीं लगता, फेक वीडियो लगती है। तो दोस्तों, मैं खुद अपने आप से टेस्ट कर रहा हूँ और आपको भी शेयर कर रहा हूँ इसके रिजल्ट। तो उसके लिए दोस्तों, मैं एक फर्टिलाइजर डालने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है। तो पहले मैं इसकी गुड़ाई कर लेता हूँ, ये पेचकस है, थोड़ी सी इसकी मैं गुड़ाई कर लेता हूँ ताकि वो फर्टिलाइजर सीधा जड़ों तक पहुँच जाए। जो फर्टिलाइजर दोस्तों मैं लेने जा रहा हूँ वो है NPK 1919-19। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर माना जाता है, खास करके फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए। तो दोस्तों, मैं देखता हूँ इसका इस्तेमाल करके क्या गुलदावरी को रिवाइव किया जा सकता है कि नहीं, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र पिंक कलर का होता है और मैंने अपनी इस बॉटल में लगभग 1.5 चम्मच, 1 चम्मच के आसपास मैंने डाल दिया, 1.5 चम्मच ही डाला है मैंने। और अब मैं इसके अंदर पानी मिलाऊँगा, आधी बॉटल पानी मिलाऊंगा क्योंकि 750 ml की बॉटल है और इसको मैं लगभग आधा या आधा लीटर तक भरूंगा और इसके अंदर जूस करेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे इसके। देखिए, अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मैं इसको वाटर में मिक्स कर सकूं क्योंकि बिल्कुल वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र है ये। देखिए, पानी का रंग भी पिंक हो चुका है। इसको मैं चारों तरफ से दूंगा। और इसको दोस्तों कुछ दिन के लिए रख दूंगा, जब इसके अंदर जब बडिंग आएगी तो आपके साथ शेयर की जाएगी वीडियो। हो सकते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, बडिंग आती भी है कि नहीं आती, वो देखेंगे इसके अंदर कुछ दिनों के बाद, 10 दिन के बाद पता लग जाएगा इसके अंदर। तो दोस्तों, अब काफ़ी समय हो चुका है इसके अंदर फर्टिलाइजर डाले हुए। मैंने एक और डोज डाली थी, टोटल 2 डोज में डाल चुका NPK की, जो कि काफ़ी अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है, काफ़ी तेज माना जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, उसका कुछ असर तो मेरे को खास दिख नहीं रहा कलियों पे, ये कलियाँ पहले भी थी, देखिए ये कलियाँ अभी टाइट भी नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की मरी है, ये खिलने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो उसका असर हुआ है वो हुआ है इसके बॉटम पे। आप देख सकते हैं कि नई ग्रोथ आ चुकी है, एक ही आ रही, देखिए कली भी आ गई नई ग्रोथ के साथ, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, नीचे से नई स्टेम्स आने लग गई हैं। तो दोस्तों, वेट करते हैं कि आगे जाके इसका क्या बनता है, उसके बाद आप वीडियो कम्प्लीट करके आपके समक्ष रखेंगे। तो दोस्तों, 10 दिन और हो चुके हैं लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है अभी तक। एक कली जो खिली हुई है वो भी पूरी तरह खिली भी नहीं है। तो दोस्तों, इसके अंदर किसी भी तरह की अब और कली बनी नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर वाला तना काट दिया और मैं नीचे वाली ग्रोथ को प्रमोट कर रहा हूँ। और अब मैं इसको इस गमले से निकाल भी लूँगा क्योंकि मैं इसको अगले सीज़न के लिए बचाना चाह रहा हूँ और इसको शिफ्ट करने वाला हूँ छोटे गमले में ताकि इससे कटिंग निकाल के मैं और प्लांट ग्रो कर पाऊँ। दोस्तों, तो दोस्तों जो गुलदाउदी थी मैंने वो गमले से निकाल ली थी और उसको एक छोटे पॉट में दोस्तों डाल दिया था ताकि दोस्तों मैं अगले सीज़न के लिए इसको बचा पाऊँ। और हमारा एक्सपेरिमेंट था दोस्तों, देखना कि इसके अंदर दोबारा हम इसको रिवाइव कर सकते हैं कि नहीं, इसके अंदर दोबारा फ्लावरिंग ला सकते हैं कि नहीं। अभी तो मार्च ख़त्म हो रहा है दोस्तों, लेकिन फ्लावरिंग तो हुई है दोस्तों, लेकिन फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं वैसा नहीं है जितना जो पहले आता है, जो सर्दियों से पहले पहले जो इसकी खिलावट होती है वैसा नहीं है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर अगर एक बार आपकी फ्लावरिंग चली जाए गुलदाउदी की, तो दोबारा मेहनत मत कीजिए दोस्तों इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह, कोई नया प्लांट ले लिए, नया मौसम का कोई दूसरा प्लांट खरीद लीजिए और उसके ऊपर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इतनी अच्छी फ्लावरिंग इसके अंदर दोबारा होगी नहीं दोस्तों। तो ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, गमले का साइज़ भी देख सकते हैं और ये प्लांट भी देख सकते हैं, कलियाँ तो काफ़ी आई हैं लेकिन फ्लावर का साइज़ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ना सिर्फ इसी की बात करता हूँ, ये देखिए जो और भी प्लांट थे दोस्तों, मैंने उसके अंदर भी जो मैंने कटिंग से उसको गमले से निकाल के छोटे गमले में लगा दिया था सेव करने के लिए, उनमें भी फ्लावरिंग आई है लेकिन उस लेवल की फ्लावरिंग नहीं है जो सर्दियों में नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में आती है। ये देखिए दोस्तों, इवन की जो कटिंग है, ये देखिए मैंने कटिंग लगा तैयार कर रहा था, इस प्लांट की कटिंग तैयार कर रहा जिसके ऊपर वीडियो बनाई है, उसकी कटिंग में भी दोस्तों फ्लावर आ चुका है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों इसका। तो यस, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दोस्तों, एक बार मौसम निकल गया गुलदाउदी का तो फिर उस लेवल की फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो आप देखिए, इसके अंदर फ्लावरिंग आई भी है लेकिन
जब इसके अंदर नवंबर दिसंबर वाली फ्लावरिंग आती है तब ये पूरा भरा होता है, पत्तियाँ दिखती भी नहीं है, तो वो फ्लावरिंग अच्छी लगती है, ये इतनी अच्छी भी नहीं लग रही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, कुछ नया आपको शायद पता लगा होगा, कई लोग एक्सपर्ट होंगे उनको पता ही होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बनाई थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी।